अस्सलामुअलैकुम। आज नौशीन किचन में बन रहा है कई लोगों की फरमाइश पर वेजिटेबल सूप, जिसके लिए हमें चाहिए बंद गोभी एक दरमियाने साइज की, गाजर एक अदद, चिकन एक पाव, पानी एक जग, छिल्ली के दाने 125 ग्राम, अंडे 5 अदद, नमक एक चाय का चम्मच, काली मिर्च एक चाय का चम्मच, लहसुन आधा चाय का चम्मच, अदरक आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 6 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्ची 5 से 6, कॉर्नफ्लोर 125 ग्राम, चिकन पाउडर 1 से 2 खाने के चम्मच। सबसे पहले एक दरमियाने साइज की बंद गोभी को धोकर चॉप कर लें और इसी तरह एक गाजर को भी काट कर चॉप कर लें और बॉयल किए हुए चिकन को भी बारीक श्रेड कर लें या फिर इसी तरीके से चॉप कर लें। अब एक जग पानी डालकर उबाल लें और इसमें एक गाजर चॉप की हुई और तकरीबन एक पाव चिकन चॉप किया हुआ और आधा पाव छिल्ली के दाने और बंद गोभी को डालकर हिला लें। तकरीबन 20 मिनट तक आपने इसे पकाना है और इतनी देर में जो बॉयल किए हुए अंडे थे उनके स्लाइस कर लें जिस डिजाइन में भी आपको पसंद हो। इसको आप छुरी की मदद से भी बारीक बारीक काट सकते हैं। एक चाय का चम्मच काली मिर्च, एक चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच अदरक, आधा चाय का चम्मच लहसुन और एक चिकन एक खाने का चम्मच चिकन पाउडर डाल दें और साथ ही आपने 2 खाने के चम्मच चिली सॉस डालें, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस और 2 खाने के चम्मच सिरके के डालकर हिलाएं और तकरीबन 5-10 मिनट पकाएं। 5-6 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लें और इनको 3-4 खाने के चम्मच सिरके के अंदर डालकर रख दें ताकि ये खट्टी हो जाएं। अब सूप को गाढ़ा करने के लिए आधा कप कॉर्नफ्लोर को तकरीबन आप 1 कप पानी के साथ डिसॉल्व कर लें और ये ध्यान रखें कि यहाँ इसमें कोई लम्स ना बने। इस तरीके से इस अंदर की तरह के चमचे के ऊपर आप कॉर्नफ्लोर डालें और इसे जल्दी जल्दी से हिलाएं, तकरीबन 1 मिनट पकाएं और साथ ही आप एक अंडे को फेंट लें और इस सूप में ऐड कर दें और आखिर में आपने तकरीबन 1-2 मिनट भी पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना, और साथ ही बॉयल किए हुए अंडों को भी इसमें डाल दें और साथ ही फ्लेम ऑफ कर दें। इसकी टिप ये है कि इसमें आप शिमला मिर्च, मशरूम, ब्रोकली वगैरह भी डाल सकते हैं और जो वेजिटेबल्स मैंने इस सूप में डाली हैं उनमें से कोई भी जो आपको नहीं पसंद उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। और दूसरी टिप ये है कि आप इस सूप को कॉर्नफ्लोर की मदद से जितना चाहें पतला या गाढ़ा भी कर सकते हैं। आप सबके प्यार और हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।